हमारी धरती एक बेहद सुंदर सुहाना ग्रह, जहां हम मनुष्य फल फूल रहे हैं। कभी सुहानी सी बारिश तो कभी जमाने वाली ठंड, और वहीं कभी चिलचिलाती गर्मी। चाहे जैसा भी हो मौसम, आपको एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब बेहद खुशनसीब हैं जो इस ग्रह पे, इस धरती पे अपने जीवन को गुजार रहे हैं। यकीन नहीं होता, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खुशनसीब हो। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। पृथ्वी सूरज से हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन भली भांति पनप रही है। लेकिन पृथ्वी का सूरज से एक निश्चित दूरी पे होना, यहाँ का मौसम इतना हैबिटेबल होना, ये सब वाकई में बहुत अनोखी बात है। अगर मान लीजिए ऐसा ना होता तो क्या होता? अगर पृथ्वी अपने जगह पर ना होकर हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का एक चांद होता तो क्या होता? जुपिटर सूरज से हमारे सौरमंडल का पांचवा ग्रह है, जो सूरज से करीब 70,85,00,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी धरती के मुकाबले 25% कम पहुँचती है। लेकिन क्या आपको पता है, जुपिटर का आंतरिक तापमान सूरज के सतह के तापमान से भी कहीं ज्यादा गर्म है। जी हाँ, लेकिन ऐसा क्यों, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। तो जुपिटर के पास वर्तमान में 79 ज्ञात चंद्रमाएं हैं। हमारे पृथ्वी के पास महज एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। मार्च 1610 में जब गैलीलियो गैलीलेई ने अपने टेलीस्कोप के मदद से पहली बार जुपिटर की तरफ देखा था, तब उन्हें जुपिटर के चार बड़े बड़े मून्स दिखे थे, जो थे आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। बाद में जब हमने वॉयजर 1 और गैलीलियो जैसे स्पेसक्राफ्ट्स को जुपिटर के पास भेजा, तब हमने देखा कि जुपिटर के पास तो चंद्रमाओं की भरमार है। जी हाँ, उनमें से कई बेहद छोटे हैं, इतने छोटे जिन्हें यहाँ पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता। हमने इन स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए न केवल जुपिटर के चंद्रमाओं को देखा था, बल्कि हमें इनसे जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कई सारी जानकारियां मिली थी। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड के तुलना में 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा है कि अगर हम इसे रात के आसमान में देख पाते तो ये हमें चांद से भी बड़ा दिखता। अब बात करते हैं कि अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारी धरती भी होती, यानी अगर पृथ्वी जुपिटर का एक मून होता तो क्या होता? क्या हम पृथ्वी में रह पाते, या फिर यहाँ रहना हमारे लिए दूभर हो जाता? जुपिटर का एक चांद है यूरोपा, जो कि एक बर्फीला पिंड है। जुपिटर के इस चांद में बर्फ की बेहद मोटी परत जमी हुई है, और वहीं जुपिटर का एक और चांद है आयो, जो कि गर्म लावा से तप रही है। जी हाँ, जुपिटर के इस चांद पे लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते ही रहते हैं, और इस चांद के सतह पे एक मिनट भी बिताना हमारे लिए दूभर है। अगर धरती जुपिटर के हिल स्फीयर के अंदर चला जाए, यानी जुपिटर के केंद्र से करीब 8 करोड़ किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर चला जाए, तब ये भी जुपिटर का एक चांद बन जाएगा, और ये सूरज के साथ साथ जुपिटर का भी चक्कर काटने लगेगा। इस स्थिति में आसमान का नजारा बेहद आकर्षक होगा। लेकिन क्या हम यहाँ रह पाएंगे? वेल, सबसे पहली चीज, जुपिटर सूरज से करीब 70,85,00,000 किलोमीटर दूर है, यानी धरती की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा दूर, और इतने दूर होने की वजह से वो रीजन काफी ठंडा है और कम रोशनी वाला है। यानी हमें यहाँ पहले के मुकाबले 25% कम रोशनी और 25% कम गर्मी मिलेगी। इसी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये हमें सूरज से आने वाले हानिकारक रेडिएशन से तो बचाएगा ही, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाले रेडिएशन से हमें कौन बचाएगा? जी हाँ, इससे निकलने वाले रेडिएशन धरती के मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाले रेडिएशन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। इससे बचने के लिए हमें सतह के नीचे शेल्टर बनाकर रहना होगा। लेकिन क्या हम उसमें भी सेफ रहेंगे? वेल, जुपिटर के बड़े आकार और अधिक मास के कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत ताकतवर है। जुपिटर का एक मून आयो, जो गर्म लावा में तप रहा है। लेकिन क्यों? वेल, इसका कारण है जुपिटर की स्ट्रांग ग्रेविटी। जुपिटर की तेज ग्रेविटी आयो पे टाइडल फोर्स लगाती है, जिस तरह हमारा चांद धरती पे टाइडल फोर्स लगाता है, जिसके वजह से धरती पे ज्वार भाटाएं आती है। लेकिन आयो पे ऐसा लिक्विड टाइडल फोर्स नहीं लगता, बल्कि इसकी पूरी बॉडी इस फोर्स की वजह से स्क्वीज होती है, और इसी कारण इसका आंतरिक भाग इतना अनस्टेबल है। तो अगर हमारी धरती इस जगह पे होगी तो धरती पे निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट और तेज भूकंपों का आना जाना लगा रहेगा, यानी इस जगह पे हमारा रहना लगभग नामुमकिन होगा। इसी के साथ, जुपिटर का तेज ग्रेविटेशनल फोर्स सौरमंडल में पीछे की ओर से आने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है, जो कि हमारे लिए एक खतरा बन सकता है।
जुपिटर को सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 12 पृथ्वी सालों का समय लगता है, यानी इस जगह पे हमारा एक साल बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। यानी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति यहाँ अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 से 5 जन्मदिन ही मना पाएगा, अगर वो यहाँ बच सका तो। तो ये VFX देखने में जितना अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा नजारा रियल लाइफ में होता तो इसे देखने के लिए हम जिंदा नहीं रह पाते। तो हमें अपनी धरती की कदर करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कुछ अलग तरह का था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।